बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जिम्बर्स किचन। मैं हूं जिम्बर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल खैरियत से हैं। आज मैं आपके साथ जो है ये बॉयल कॉर्न की रेसिपी शेयर करूंगी। सर्दियां आने लगी हैं और सर्दियों में छली खाना जो है ना वो एक अलग टाइप की ऑब्सेशन होती है। रेसिपी को क्या करना है, आपने एक काम बस कंप्लीट वॉश करना है ताकि आपको तमाम स्टेप्स का अच्छे तरीके से पता चल सके। यहाँ पर है जी हमारे पास कॉर्न, जिसको हम लोग जो है वो छली भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने इसके ऊपर वाली ये सारी परतें रिमूव कर लेनी है, लेकिन सबसे लास्ट वाली जो हल्की या सबसे बारीक वाली होती है उसको आप लोगों ने रिमूव नहीं करना। जैसे आप लोग ट्रे में देख सकते हैं कि हमने इसकी सबसे लास्ट वाली लेयर है वो रिमूव नहीं की। पानी के अंदर हाफ टी स्पून के बराबर नमक ऐड करना है और फिर यानी पानी ऐड कर देना है, तो एक ही बात है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक और मरतबा दिखा दूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर जो कॉर्न है इसको आप लोगों ने छीलना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने भी चैनल जी फैमिली व्लॉग्स को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर फैमिली व्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अभी तक अगर आपने चैनल जी मस्त किचन को नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको भी लाजमी से जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि उस पर आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। पानी के अंदर जो हमने छलियाँ ये इस तरीके से ऐड कर देनी है, फिर लगा देना है जिसको हम लोगों ने प्रेशर कुकर तब तक जब तक ये तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो बस इसका जो है वो यही काम है, पानी के अंदर आप लोगों को प्रेशर कुकर लगा के बॉयल कर लेना है। एंड देर बस जो है ना ये जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तैयार होती है। चले जी, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को इसका लुक दिखाती हूँ। देखिए जी, ये अच्छे तरीके से जो है ना वो कुक हो चुकी है। अच्छे तरीके से जो हमारी जो कॉर्न है, जो हमारी छली है, ये सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम लोगों ने एक जो है वो चिमटा लेना है, यानी बस कोई इस तरीके से चीज़ लेना है जिससे आप लोग इसको आसानी से जो है ना वो निकाल सकें। चले जी, इसे अब हम लोग डिश आउट कर लेते हैं और इसी तरीके से बाकी सबको जब वो डिश आउट कर लेंगे। अब ये जो इसकी लास्ट वाली जो है ना ये स्किन, इसको भी हम लोगों ने जो है ऊपर से रिमूव कर लेना है। और ये उसे उसके ऊपर धागे धागे हैं, तो इसको बचपन में तो क्या मैं अभी भी इसको बाल बाल ही कहती होती हूँ। ये बाल जो है ना इसके ऊपर से हमने इस तरीके से रिमूव कर लेने हैं। चले जी, सारी जो कॉर्न है यानी सारी जो छलियाँ हैं उसके ऊपर से हम लोगों ने इस तरीके से रिमूव कर लेनी है। और फिर इसका जो ख़ास सा मसाला होता है ना, जो हम अंकल से गली में आते हैं, अंकल उनसे लेते हैं, उनके पास बड़ा मज़ेदार मसाला होता है, मैं आपको वो भी बनाना सिखाऊंगी। फिर तो ये हमारी सही लाजवाब सी जो है ना ये स्ट्रीट स्टाइल वाली जो है ना ये कॉर्न हमारी तैयार होगी। तो इसलिए क्या है, तो रेसिपी ज़रा पूरी पूरी वॉच कर लिया करें। चलें जी, सिर्फ और सिर्फ चार इंग्रीडियंट्स, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, काला नमक जिसको कहते हैं वैसे। यहाँ पे 1/2 टीस्पून हमारे पास है चार मसाला और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। कुछ लोग ब्लैक सॉल्ट को पिंक सॉल्ट कहते हैं, लेकिन मैं ब्लैक सॉल्ट कहती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे पिंक वाली कोई चीज़ नज़र नहीं आती। मसाला तैयार हो चुका है हमारा। चले जी, यहाँ पे अब हमारे पास जो है ना वो बस ये है कि लोग जो है ना बाहर मसाला लगाते हैं जो खटियाँ होती हैं उससे, लेकिन हम ज़रा वो खटियों वाला फ्लेवर लेमन से भी लेके आ सकते हैं। ले लें एक अच्छा सा प्यारा सा लेमन निकालें सीड बीच में से, उसको इस तरीके से जो है ना मसाला अप्लाई करें उसके ऊपर। पहले जो है ना लेमन इसके ऊपर से तरीके से अप्लाई कर लें और ये इतने लाजवाब तैयार होगी ना कि इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो पसंद है कि आप लोगों ने ना बस रेसिपी लाजमी घर पर ट्राई करी। पहले लेमन हम लोगों ने इस तरीके से अपने जो कॉर्न है उसके ऊपर लगा लेना है, एंड देन जो है फिर उसके बाद उसी के जो है इस तरीके से छिलके से ऊपर लगा देना है जी हम लोगों ने इसका लाजवाब सा मसाला जो हम लोगों ने तैयार किया। इसी तरीके से तमाम कॉर्न को अच्छे तरीके से रेडी कर लेते हैं, एंड देन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसका फाइनल लुक। तो फाइनल लुक को मिस नहीं करना। तो बहुत ही देखिए जितनी ज़्यादा जल्दी बन जाने वाली हमारी जो है ना ये रेसिपी है, आप लोग इस रेसिपी को लाजमी से घर पर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ज़्यादा मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल जो है वो कॉर्न और उसका मसाला तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके लाजमी शेयर कीजिए, कॉमेंट्स करना ना भूलिएगा। मुझे याद दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अपना फैमिली ख्याल रखें, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। रेसिपी को लाजमी से घर पर ट्राई कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए कि आप लोगों को जो रेसिपी है ये कैसी लगी है। तो मुझे याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।